सभी विंडोज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मतलब वर्जन सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर रहे हैं, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में गया, जो पार्टीशन है मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक नया पार्टीशन क्रिएट करूँगा, जैसे कि एग्जांपल पर 100 GB जो भी है क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्रिएट करने के बाद मैं अभी नेक्स्ट दे रहा हूँ। देखिए अभी कुछ मेरा को एरर डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, शिफ्ट F10 प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं डिस्क पार्ट कमांड प्रेस मतलब टाइप करूँगा, उसके बाद लिस्ट डिस्क, ओके। सो इस कमांड में मेरा सिस्टम में जितनी हार्ड डिस्क है जितना डिस्क है वो शो करेगा, ठीक है। देखिए ये मेरा पेन ड्राइव है 16 GB का और 14 GB का है, बाकी हार्ड डिस्क शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करूँगा, मतलब वो 0 डिस्क है, तो सेलेक्ट डिस्क 0, ठीक है, सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद उसको मैं क्लीन करूँगा, ठीक है, वो फुल्ली वो ड्राइव क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक नया वो प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए ये जो कमांड है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी साइज इक्वल टू, आप जो भी साइज है रख सकते हैं। एग्जांपल मैंने 3000 रखा, मतलब 3000 मतलब 3 GB का मैंने रखा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्रिएट हो गया है, क्रिएट करके मैसेज आया है, ठीक है। अभी मैं दूसरी कमेंट कर रहा हूँ, फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS, मतलब फाइल सिस्टम को मैं NTFS कर रहा हूँ, मतलब फाइल सिस्टम मतलब फैट 32 होता है, 16 है, 32 है, फिर NTFS है, फिर xcopy है, बहुत सारा फॉर्मेट है, तो NTFS का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, देखें, ठीक है, उसके बाद चल रहा है। सेम करूँगा, सेम मतलब उसको सौंपना, मतलब उसको क्रिएट मतलब हैंड ओवर करना, उसको अलग पार्टीशन करना, मतलब एक करना, उसको सो कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद उसको एक्टिव कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल अमूल में लाना, प्रैक्टिकल करना उसको, मतलब उस ड्राइव को यूज़ करना, ऐसा मतलब कमांड है। तो इस तरह से मैंने उस कमांड को एक्टिव किया। देखिए जो पर्टिकुलर पार्टीशन वाली से एक्टिव, मतलब पर्टिकुलर जो क्रिएट किया वो वॉल्यूम एक्टिव हो गया। अब मैं दोबारा लिस्ट वॉल्यूम कर रहा हूँ, पहले मैंने 2 दिख रहा था, अभी 3 दिख रहा है, क्योंकि एक वाली मेरे को 3000 MB वो क्रिएट दिख रहा है। देखिए ये 16 GB है, ये मेरा पेन ड्राइव है, डी वाला है, सी में 3000 MB है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एग्जिट किए, मतलब डिस्क पार्ट कमेंट से एग्जिट किए हैं अभी हम, ठीक है। अभी ये सीडी है, मतलब ये है सीडी होता है, एक डायरेक्टरी होता है, ठीक है। सीडी मतलब चेंज का डायरेक्टरी होता है। तो xcopy मतलब वो फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, डी से सी में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। वो 3000 MB है, उसमें कॉपी कर रहा हूँ, उसमें कमांड लिख दिया, मतलब डी से सी में कॉपी करना है उसमें, उसके बाद /E/H/K, ठीक है। इसमें मतलब ये मतलब कॉपी डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्ट, मतलब जो भी फाइल है वो EMT फाइल जो भी है सब कुछ आप कॉपी करें। H मतलब हेडन्स फाइल सिस्टम, जो भी मतलब फाइल के अंदर है जो भी हेडन फाइल है सब कुछ कॉपी करें। K मतलब कॉपी एट्रीब्यूट्स, मतलब कुछ फाइल्स है रीड ओनली है वो कॉपी नहीं होंगे, तो ये कमेंट के कमेंट से मतलब वो भी कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी कॉपी चल रहा है, ये कॉपी हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा,
उसके बाद मेरे को सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएंगे। क्लोज करके एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम किस वजह से आता है, मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क पेन ड्राइव है वो पहला बूट डिवाइस नहीं होता है, उसके कारण ये जो प्रॉब्लम है आता है। देखिए अभी मैं F12 करके प्रेस करके मैं पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया, बूटिंग किया, अभी बूटिंग हो रहा है। प्रॉपर मतलब बायस में, मतलब बायस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, उसमें मतलब मेरा प्रॉपर बायस मतलब जो भी है आपको हार्ड डिस्क है वो मतलब सीक्वेंस में नहीं होता है, तो उसके कारण ये जो एरर आता है। तो उस समय आपको यूएसबी को पहले सीक्वेंस में सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आया है, तो उसको सोल्यूशन ये है, सेलेक्ट किया। अभी देखिए इंस्टॉलेशन ऑप्शन में जा रहा है, जो भी वर्सन है अभी सेलेक्ट कर दिया मैंने, एक प्रो वर्सन 10 का प्रो वर्सन सेलेक्ट किया, ठीक है। सेम कस्टमाइज में गया, देखिए देखिए पहले मेरा का वो ऊपर वाला 3000 मतलब जो भी जीपी 3 GB का मैंने क्रिएट किया ऐसा ही है। तो मैं सेकंड वाला पार्टीशन को सेलेक्ट करके सीधा नेक्स्ट किया। देखिए अभी देखिए मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। तो अधिक जानकारी के लिए मेरा जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको दिया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट वाला दिया है, उसको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।